वेरी गुड इवनिंग डियर जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप इस पैंडेमिक के सिचुएशंस में सही होंगे, सलामत होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपने नॉलेज की भूख को बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेस एंड न्यूज़, जो फरवरी 2021 में था। खासकर वर्ल्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड सेक्शन में, वर्ल्ड न्यूज़ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। मैं रोहन हिमांशु, आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम अपने आज के सेशंस को कंटिन्यू कर पाए। जल्दी 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 जल्दी, अगले 1 मिनट के बाद हम लोग आज का जो सेशन होगा वो स्टार्ट कर लेंगे। ओ सोनी जी, यस आई नो दैट। चलो फाइनली, मतलब काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, मतलब वो दिन तो मुझे याद है। सालू सोनी, उर्मिला सोनी जी, वो दिन तो भूल ही नहीं सकते। मतलब आप और एक और थे, सर, एक और, मतलब गजब का वो सेशन था, नो डाउट। वो बहुत ही बेहतरीन सेशन था। मतलब लगातार 7 आवर और 8 आवर लगातार बने रहना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वो 100 क्वेश्चन का सेशन था आई थिंक, और 100 क्वेश्चन के सेशन में हम लोग लगातार चले थे। और आप मतलब वो नहीं भूल सकते डियर जी, नो डाउट नो डाउट। थैंक यू सो मच कि आज आप आए। काफ़ी दिनों के बाद आई थिंक ये 2 या 3 महीने या 4 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग शरित प्रीतम जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलिए, आज जुड़ गए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ अन अकेडमी यूपीएससी पे। आशा करता हूँ कि अन अकेडमी यूपीएससी आप सबके साथ जस्टिस कर रही होगी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, रोहन हिमांशु झा के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। जितने भी सेशंस होते हैं उन सबका पीडीएफ और लिंक आपको यहाँ मिल जाता है, और जितने भी अपडेट होती हैं। और बाकी अगर किसी को बात करनी होती है अपनी कुछ एजुकेशंस या सब्सक्रिप्शन को लेकर के, अन अकेडमी से रिलेटेड लेकर के, या अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, @RohanJha10 के नाम से। जितने भी मेरे सेशंस आते हैं वो सारी की सारी अपडेट आपको मिल जाया करेंगे। यहाँ पर इंडिया के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी समय समय पे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है, उसी में 80 टेस्ट का एक पूरा का पूरा सेगमेंट लेकर के आ रहा है। अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको 30,000 की कीमत की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। हालांकि इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, 50 प्रीलिम टेस्ट होंगे, 30 आपके मेन्स टेस्ट होंगे, और उस प्रीलिम टेस्ट को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। 20 तो होंगे फुल लेंथ के जो टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे, और 18 जो हैं टॉपिक वाइज होंगे, और 30 मेंस के लिए अलग हो ही गए हैं। ये सब कुछ जो है आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया गया है, यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया, और ये अपने सेगमेंट पे बेस्ट है। और ये ऑफर जो है लंबे समय के लिए नहीं है, सिर्फ 30 जून के लिए ही वैलिड है। अगर आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। बाकी सेकंड जो अन अकेडमी कहती है कि अगर आपको लगता है कि कोई फैक्चुअल एरर है, इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है, आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रिपोर्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि जो एजुकेटर है उनमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, और दूसरा आप भी जो है कुछ प्राइजेस के जो कूपन्स है वो भी जीत सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जून से, 1 साल 2 साल और रिवीजन बैचेस। जिस बैच के लिए आप कंफर्टेबल लगते हैं आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल कार्निवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं आप उनको चूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक लगे, आप आइए। सब्सक्रिप्शन ऑफर तो डियर जी यहाँ पर चल ही रहा है, और 25% और 10% जो ऑप्शनल को लेकर के है वो भी चल रहा है। 25% आपके ऑप्शनल कोर्सेज पे, और रेफरल कोड के साथ 10%। और कोड आपको पता ही है, जो आप एजुकेटर, जिन एजुकेटर के साथ आप जुड़े हुए उनका कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, 23rd of June ही इसकी जो लिमिट है वो बची हुई है। ये आखिरी सांसों में है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। इंडिया के बेस्ट प्रोग्राम को करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग के लिए कोर्स शुरू हुआ है। सीट बहुत लिमिटेड है, 100 सीट्स हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहानेबाजी नहीं है, पैसा नहीं है तो अन अकेडमी से लोन भी ले सकते हैं। और 20 किताबों की भी जो लिखित बुक लिस्ट 20 किताबों की जो लिस्ट है वो आपको 10,000 की वर्थ की, वो भी आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे बेनिफिट मिलेगी। मतलब किताबें भी मिल रही हैं और साथ साथ में आपको अब टेस्ट सीरीज भी मिल रही है लगभग 80 की। सब्सक्रिप्शन के 2 मॉडल होते हैं, आइकोनिक और प्लस के। अगर आपको चाहिए कि एजुकेटर चाहिए तो आइकोनिक में जाइए, एजुकेटर नहीं चाहिए तो प्लस में जाइए। प्लान बना हुआ है, प्लान चूज कीजिए, किसी भी एजुकेटर का कोड अप्लाई कीजिए। मेरा कोड ROH10 है, इससे 10% इमीडिएट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एजुकेटर मिलने से बेनिफिट ये होगा कि आपको गाइडेंस जो होगी एक्सपर्ट्स की और पर्सनल, वो दोनों मिलती है आइकोनिक में, जबकि प्लस में ये चीज़ें नहीं मिलती है। ऑप्शनल और कॉम्बो को लेकर के अभी जो है आपका ऑफर चल रहा है, उस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। अन अकेडमी आपको क्या क्या चीज़ें देती है,
उसमें टॉप एजुकेटर तो अवेलेबल है ये, साथ साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप अनलॉक कर सकते हो किसी भी एजुकेटर का कोड अप्लाई करके, मेरा कोड RO10 है। और हर संडे यहाँ एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग अन अकेडमिक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है उसका पता चलता है, दूसरा अगर आप टॉप 3 में बन जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे एक भी पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री है। उसके लिए आपको एनरोल कराना होता है इस टेस्ट सीरीज के लिए, और उसके लिए एक एजुकेटर की कोड की जरूरत है, मेरा कोड RO10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। आज का जो सेशन है वो है प्लेसेस एंड न्यूज़, यानी जो जनवरी लास्ट जो सेशन था हमारा वो जनवरी 2021 को लेकर के था कि जो वर्ल्ड सेक्शंस में न्यूज़ बनी हुई थी, जो प्री के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उन न्यूज़ को हम लोग लेकर के आए हैं। टोटली वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो असेसमेंट्स बेस्ड होती हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली निकलते हुए देखे गए वर्ल्ड सेक्शन से पूछे जाते हैं। प्लस अगर कोई न्यूज़ में है, कोई सेक्शन न्यूज़ में है कि वह बताइए हाल फिलहाल यहाँ पर कुछ घटना घटी थी, तो बताइए वर्ल्ड लेवल पे ये कहाँ है। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं वो जो छुपे हुए रहस्य होते हैं ना, जो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ करंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है उसको मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स, दुनियादारी में क्या चल रहा है और इंडिया का उस समय पे क्या स्टैंड है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फरवरी 2021 में एक पूरा का पूरा न्यूज़ सर्कुलेट हुआ, जिसमें ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम जो है ओपन वीज़ा स्कीम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हांगकांग की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हांगकांग ठीक जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, हांगकांग भी ब्रिटिश कॉलोनी होती थी। 1997 के अंदर हांगकांग को छोड़ दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, बोला कि यार हम जा रहे हैं, अब हम नहीं संभाल सकते हांगकांग को, तो डियर चाइना एक काम करो, आप है ना एज ए मेंटोर इसे ले लो, या आप एज ए जिसे कंजर्वेट कहते हैं या संरक्षण के रूप में कह सकते हैं या एक पेरेंट्स के रूप में कह सकते हैं कि भैया आप इसे संभालना, 50 साल तक आप हांगकांग को नहीं छेड़ोगे, 50 साल तक हांगकांग को फलने फूलने दोगे, ये डेमोक्रेसी चाहता है, ये खुली फिजाओं में सांस लेना चाहता है, आप उसे ऐसा करने दोगे, 50 साल के बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लेना। तो ये शर्त थी यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की चाइना के साथ। चाइना ने भी 1997 में कहा था कि ठीक है यार, तिब्बत को हमने ले रखा था, चल भाई तुम्हारी हम बात मान लेते हैं, 50 साल के बाद हम देख लेंगे कि हांगकांग का भविष्य क्या होने वाला। लेकिन उससे पहले ही चाइना ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, बोला कि यार हांगकांग तो हमारा पार्ट है। हालांकि हांगकांग अलग होना चाहता है चाइना से, वो नहीं होना चाहता ये चाइना का हिस्सा। इसी वजह से चाइना के और हांगकांग के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, चाइना टोटली कम्युनिस्ट बेस है, हांगकांग चाहता है कि मैं डेमोक्रेसी के लेवल पे जाऊं, क्योंकि इंग्लैंड के अंडर था तो मैंने डेमोक्रेसी का स्वाद चखा था। यार ये इससे बेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकती डेमोक्रेसी, कि जहां आप और मैं अपने घर से निकले, वोट डाले, हमने देखा कि भाई सामने वाला बंदा करप्ट है तो हम उसे नहीं चुनेंगे, सामने वाला बंदा सही है तो हम उसे चुनेंगे। तो ये है आपका डेमोक्रेसी का मज़ा। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आपको भी पता है कि आप घर से बाहर निकलने की तो बात ही छोड़ दो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वही है, मतलब वो पत्थर की लकीर बन गई। तो हांगकांग कहता है कि चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, चाइना हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक कर रहा है, हमारे फ्रीडम पे अटैक कर रहा है, हमें जो कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी करने नहीं दे रहा है। तो ये दिक्कत है। तो ऐसे में ब्रिटेन ने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है डियर हांगकांग, अगर आपको लगता है कि जो रिसेंटली इम्पोज किया गया है चाइना का न्यू सिक्योरिटी लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ अगर हम लोग कहें, अगर चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया है जो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, आपको आप चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, अगर चाइना के खिलाफ आपने बोला तो आपको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी इस चीज़ के। और वो भी हम आपको हांगकांग के जेल में नहीं डालेंगे, हम आपको उठाएंगे और जाएंगे हम चाइना, चाइना के अंदर जो जेल है मैं हम उनमें आपको फिट करने वाले हैं, हांगकांग के अंदर भी नहीं रखने वाले। तो ऐसे में जो फ्रंट लाइनर में जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको पकड़ करके जेल में भी डाला जा रहा है। तो ये चाइना का जो क्रैकडाउन है ये बहुत ही ब्रूटल लेवल का है, बहुत ब्रूटल लेवल का कर रहा है। ब्रिटेन ने देखा कि यार मेरे हांगकांग का इन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया, तो ब्रिटेन कहता ठीक है डियर हांगकांग वासियों, अगर आपके पास, अगर आप 1997 से पहले पैदा हुए हैं
अगर मैं बात करूं कि आप ब्रिटेन में कैसे आ सकते हो, तो वो कहता है कि अगर आपके पास BNO यानी ब्रिटिश जो नेशनल पासपोर्ट है आपका, अगर वो है आपके पास तो ठीक है, अगर आप 1997 से पहले पैदा हुए हैं तो आप ब्रिटेन में आ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ काम नहीं कर सकते, आप वहाँ एक बार के लिए सेट नहीं हो सकते, पहले आपको वहाँ पर रहना होगा। और अगर वहाँ आप रहने के लिए आए हो तो हमें ये बताना होगा कि आपके पास इनफ फंड है। देखो ब्रिटेन ये कहता है कि हम आपको ब्रिटेन में आने के लिए ऑफर भी दे रहे हैं, आप आइए वहाँ काम कीजिए, लेकिन जो पहले 6 महीने की जो सेटलिंग है वो पहले आपको अपने लेवल पे करनी होगी। जब आप ये कहेंगे कि भैया अंडर द वीज़ा स्कीम हम आना चाहते हैं ब्रिटेन में, ठीक है डियर जी, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन हमें पहले ये दिखाओ कि आप जो है आपके पास इनफ फंड है, दे हैव द इनफ फंड टू सस्टेन बोथ देमसेल्फ एंड देयर डिपेंडेंट्स। आप अकेले आ रहे हैं, आपके साथ फैमिली आ रही है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि अगले 6 महीने आप ब्रिटेन में सर्वाइव कर सकते हैं? उसके बाद हम आपको काम भी दे सकते हैं, सेटलिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप 5 साल वहाँ रह जाते हैं तो डियर जी फिर आप वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो ऐसे में ब्रिटेन ने ये आइडेंटिफाई किया है कि लगभग लगभग इस साल के एंड तक 1.5 लाख के आसपास जो है वो सिटीजन, हांगकॉन्ग को जो सिटीजन्स हैं वो नेक्स्ट ईयर तक यानी 2020 के लास्ट तक आते आते वो आ जाएंगे, और अगले 5 साल में लगभग 3 लाख जो लोग हैं वो हांगकॉन्ग से निकल करके ब्रिटेन के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको BNO पासपोर्ट साइज जो वीज़ा है वो दिखाना होगा, उसके बेस पे हम आपको 6 महीने रहने देंगे, फिर उसके बाद आप वहाँ सेट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, फिर 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ब्रिटेन की वीज़ा स्कीम। और अगर ब्रिटेन ऐसी वीज़ा स्कीम दे रहा है हांगकॉन्ग को, तो ऑब्वियसली दिक्कत किसको होगी? चाइना को। फिर वही बोल बच्चन गिरी चाइना और ब्रिटेन के बीच में चलती रहेगी। ब्रिटेन कहेगा कि तुम यार इंटरनेशनल लेवल पे मतलब तुम्हारी इमेज वैसे भी डाउन है, तुम वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रेशराइज्ड फॉर्म में लेना चाहते हो, साउथ चाइना सी में भी हम देखते हैं कि आपका डोमिनेशन नेचर है, हांगकॉन्ग के ऊपर भी आप इस तरह के लॉ लगा करके, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा करके आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना चाहते हो, हमारे साथ जो शर्त हुई थी 1997 की, अगले 50 साल के लिए आप है ना हांगकॉन्ग को वैसा ही बना रहने दोगे जैसा हांगकॉन्ग बना रहना चाहता, आपने उसको भी तोड़ा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में बोल बच्चनगिरी चलती गई। चाइना चाइना फ्यूरियस है, उधर मजे ले रहा है ब्रिटेन, बोला आओ आओ यार कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रिटेन की ओपन वीज़ा स्कीम फॉर मिलियंस इन हांगकॉन्ग। तो इसमें जो हमारे लिए जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, फिर इनको पकड़ करके कहाँ ले जाया जाएगा? चाइना को लेकर के आ जाएगा। बेसिकली ऐसे पॉइंट जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेन्स के प्रस्पेक्टिव। प्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें से क्या ही क्वेश्चन निकल सकता है, वो बस हांगकॉन्ग को बेस में लेकर के कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है कि जैसे भैया हांगकॉन्ग जो है वो कॉलोनी थी फ्रांस की, और फ्रांस जब 1997 में गया था तो उसने चाइना को अगले 50 साल के लिए दे दिया था कि भैया ये लीज पे रहेगा, उसके बाद देख लेना हांगकॉन्ग और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशंस बनते, फिर उसके बाद कैरी ऑन करना। तो फ्रांस की बात आ गई तो फ्रांस तो था ही नहीं, ऑब्वियसली ब्रिटेन था। तो इस तरह से पॉइंट बना करके ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उर्मिला सोनी, अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, तो आज तो मैं कुछ में इंक्लूड है कुछ में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन की है उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव पढ़ेंगे, और जो मैप के अकॉर्डिंग है उसको हम मैप के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी। बढ़ते हैं आगे। सर, भारत के पड़ोसी देश से न्यूज़ आ रही है, पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार या बर्मा, वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ। एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं कूप। कूप का मतलब होता है कि जब मिलिट्री वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसे ओवरथ्रो कर देती है और मिलिट्री की पूरी प्रेजेंस बन जाती है वहाँ पर, वो शासन चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। इसी को इंग्लिश में एक वर्ड दिया जाता है कूप। कूप जहाँ वर्ड आ जाएगा समझ जाना एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा करके मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, जैसे पाकिस्तान में भी होता रहता है, म्यांमार में भी होता रहता है, म्यांमार में होता रहता था, फिर बीच में डेमोक्रेसी आई, लगा कि भाई अब सब कुछ ठीक हो सकता है, फिर अब फिर प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या दिक्कत है, और ऐसे में जो इंडिया का स्टैंड है इसको लेकर के ओवरऑल है क्या, इसको हम समझते हैं। अगर हम बैक एंड पे चलें लगभग 1989-90 के आसपास, तो पता चलेगा कि उस समय तक मिलिट्री पावर वहाँ पर अच्छी खासी जमी हुई थी म्यांमार के अंदर। फिर प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर 2008 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट म्यांमार में शुरू हुई, तो ऐसे में
ये डिसाइड हुआ कि जो आंग सान सूकी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर भी थी, जिनको रिलीज भी किया गया ओवर एक टाइम के बाद, फिर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बनी, फिर जो मिलिट्री है म्यांमार की, लोगों के बीच में उनकी इमेज डाउन होने लग गई। मिलिट्री को लगा कि यार बेटर है कि आंग सान को या फिर एक इलेक्शन करवा लें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, उसमें ऐसा कुछ रख लें कि मिलिट्री के पास भी कुछ रह जाए और जनता भी खुश रहे। तो दोनों की सिचुएशन अगर विन विन रही तो फिर चाहिए ही क्या। अगर हम मैं पीछे की तरफ से स्टोरी की शुरुआत करूं तो मुझे पता चलेगा कि यार जो म्यांमार की जो आर्मी है उसको हम लोग ततमा दाव कहते हैं। म्यांमार की जो आर्मी है उसे हम ततमा दाव कहते हैं, पहली चीज़। उसके बाद उनकी इंटेंशन सूकी के साथ क्या थी और सूकी जो थी वो किस पार्टी के साथ बिलोंग करती थी, यह है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तक खत्म। उसके बाद हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो पता चलेगा कि जो 30 साल पहले एक इवेंट हुआ था 1989-90 के अंदर, जब उस समय भी मिलिट्री कूप हुआ था, गवर्नमेंट हटाई गई, मिलिट्री आ गई, उस समय तो इंडिया ने पूरा ध्यान दिया था कि क्योंकि यार डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन हाल फिलहाल इंडिया ने म्यांमार के ऊपर ज़्यादा कुछ, मतलब एक ऐसा भी रिस्पॉन्स नहीं कि भैया गर्म रिस्पॉन्स है, यार तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और ठंडा रिस्पॉन्स भी नहीं है, ठीक ठीक मिला जुला रिस्पॉन्स है। बेसिकली हमें न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल क्यों रहना है वो हम समझेंगे चाइना के परस्पेक्टिव में। तो ठीक है यार, तुम्हारी डेमोक्रेसी बनी रहती है तो अच्छी बात है, नहीं बनी रहती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे रिलेशन या इंडियन मिलिट्री के रिलेशन चाइना म्यांमार मिलिट्री के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक मेन चीज़ चलती है कि आपके ना तो दोस्त है ना दुश्मन है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ एक कॉमन इंटरेस्ट है। इंडिया का कॉमन इंटरेस्ट आर्मी के साथ जाता है, ना कि वहाँ की आंग सान सूकी के साथ। ऊपर से आंग सान सूकी की जो इमेज है वो भी डाउन होती जा रही थी ओवर द टाइम, क्योंकि आपको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था डियर जी, और जब 2015 में टोटली क्रैक डाउन हो रहा था रखाइन स्टेट के अंदर, जब आपकी आर्मी मार रही थी रोहिंग्या को, उस समय आप लोग आप मूक दर्शक बने रह गए थे। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठी थी कि आपने किसको नोबेल प्राइज दे दिया, वो भी पीस का। देखिए वहाँ की आर्मी का बकायदा सपोर्ट पाने के लिए आर्मी को खुला हाथ दे दिया कि जाओ तुम भैया क्रैक डाउन करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो सर सोकी की जो है इमेज ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी, तो इंडिया को भी ये है कि यार इतना बोल बच्चन गिरी में ना गिर के सिर्फ आर्मी को सपोर्ट करो। हाँ कहो कि यार ये गलत हो रहा, बस ठीक है जो तुम्हें देखना है वो देख लो। जबकि 1989-90 में इंडिया ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया था कि भैया प्रो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमें क्यों मतलब चाइना का ये म्यांमार का सपोर्ट चाहिए, ताकि चाइना दूर रहे। अगर मिलिट्री मेरे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ऐसा है मिलिट्री के अगर मेरे साथ प्रेजेंस है तो वो मेरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को इंसर्जेंट ग्रुप से रोकेगा। मेरी अगर उसके साथ अच्छी खासी डीलिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आंग सान सू की क्या करेगी इसमें, जो काम करेगा वो मिलिट्री ही करेगी। मिलिट्री क्या कर रही है, हमने कहा इंडियन मिलिट्री कह रही है कि डियर ततमादाव, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो इंसर्जेंसी आ रही है इंडिया की तरफ, आप उसे कंट्रोल करो, और मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही है तो ठीक है करो भैया, तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ये वो तुम करो, बस इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से सेफ रखो, बात खत्म। हमारा इंडिया जो है वो ठीक ठीक मतलब ना तो ये कह रहा है कि क्यों और या क्यों, ना ये कह रहा है कि ये गलत हुआ, या ना ये वो कह रहा है कि ये सही हुआ, ठीक है। और क्योंकि मिस सूकी की जो इमेज है वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी रोहिंग्या क्राइसिस जब 2015 में आया था। मेन चीज़ इंडिया का ज़्यादा अगेंस्ट में ना जाने का फैक्टर मेनली चाइना है, क्योंकि इंडिया ने अगर कुछ बोला तो चाइना के फेवर में चले जाएंगी सारी चीज़ें, जो ततमादाव है वो कहीं ना कहीं जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, चाइना फिर उसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाएगा। इसलिए ततमादाव को नाराज़ नहीं करना चाहती इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो, क्योंकि इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं म्यांमार के साथ। पहला प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो पहली चीज़ तो यह है कि हमारे इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो गेटवे है इंडिया का ईस्ट को लेकर के या एशियन कंट्री को लेकर के, वो गेटवे बना हुआ है म्यांमार, तो मुझे इसलिए भी नाराज नहीं करना है। दूसरा, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को लेकर के एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो वो ट्राइलेटरल हाई पे सवाल उठेगा। फिर सर नॉर्थ ईस्ट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कोलकाता हाई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट से, और उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, वो भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और म्यांमार के अंदर एक जो पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, उस सितवे पोर्ट को मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में भी डेवलप कर रहा हूँ।
तो इतनी सारी चीजें मेरी खट्टे में चले जाएंगी अगर मैं आर्मी के अगेंस्ट भी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे नहीं देना है। आर डियर आर्मी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर कंट्री, इट्स योर इंटरनल मैटर, वी डोंट केयर। ये 1989-90 नहीं है जहां पर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट है या राजीव गांधी की गवर्नमेंट है जिसने स्ट्रोंगली अपोज किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने ऑंग सान क्यू क्यू को क्यों कैद कर लिया। ये अभी का समय नहीं है। अभी का भारत जो 2020 का 21 का भारत है वो कोई, 2019 का भारत मैं कहूँ तो वो कोई दूसरा भारत है। उसमें हमारा एक जो म्यूचुअल जो प्रस्पेक्टिव वो क्या है, अगर वो मैनेज हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं मैनेज हो रहे तो हम सवाल उठाएंगे। लेकिन हमारी ये सारी चीज़ें खट्टे में नहीं जानी चाहिए और अगर ये सब इंटैक्ट है तो दियर टटमा डाव, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि 2015 के बाद ऑलरेडी सूकी के जो इमेज है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब ये सारा का सारा क्रैकडाउन हो गया, सारी प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चलें कि ऐसा क्यों हुआ तो पता चलेगा कि नवंबर दिसंबर के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, उसमें जो सूकी की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने जीत दर्ज की, वो भी 80% विनिंग पोल के साथ। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आर्मी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी उसका नाम है यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको वो सपोर्ट कर रही थी वो हार गई, उसको सीट मिली ही नहीं। अगर मैं कहूँ तो उनको सीट मिली है 33। तो यूएसडीपी जो पार्टी है जिसको आर्मी सपोर्ट कर रही थी, हारने के कारण जो जानने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो है करप्शन हुआ है, फ्रॉड हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो म्यांमार की इलेक्शन कमीशन है वो साफ मना कर चुकी है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर लेवल का इलेक्शन हुआ है। या आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, ऐसे एलिगेशन जो हैं बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन आर्मी कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे इलेक्शन को कैंसिल किया और सीधे सूकी को पकड़ा और जेल में। चलो भैया, ये सारी की सारी ट्रांजिशन क्यों हुई, क्या पंगा था क्या नहीं, अगर मैं देखूं तो 2008 के बाद जब आर्मी को लगा कि यार इतना अब हमारी इमेज म्यांमार में नहीं रही है, तो 2008 में ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2008 के अंदर म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है क्लॉज ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट जो होगा ना, जो भी प्रेसिडेंट होगा म्यांमार का, वो प्रेसिडेंट वो होगा जिसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए और खुद या उसके बच्चे, खुद या फिर उसके बच्चे या उसकी वाइफ, कोई भी फॉरेन पावर या फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन नहीं होना चाहिए, मतलब फॉरेन नेशनल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आपके पास मिलिट्री की एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरा ये है कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि आप, आपकी वाइफ जो आपका स्पाउस है और आपके जो बच्चे हैं वो किसी फॉरेन एंटिटी या फॉरेन देश के अंदर सिटीजन नहीं होने चाहिए। मिस सूकी की जो दो सन है वो ब्रिटिश सिटीजन है, इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट कभी बन ही नहीं सकती थी और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेट ये करती है कि जो भी मतलब जो मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो कंट्रोल होगी मिलिट्री के द्वारा। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने दो चीज़ें क्लियर डिफाइन कर दी हैं कि डियर गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन 2008 का, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, आर्मी ने बनाया, और आर्मी जब बनाएगी तो अपने फेवर में ही सारी चीज़ें बनाएगी। तो ये कह रही है कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बनना है आपको म्यांमार का, तो मिलिट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा आपके, आपकी फैमिली में से आपके बच्चे कोई भी फॉरेन नेशनल के नहीं होने चाहिए सिटीजन। लेकिन सूकी के केस में ये गड़बड़ होगी, दोनों बच्चे ब्रिटेन के सिटीजन हैं तो इसका मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। और जो भी प्रेसिडेंट होगा या जो मिलिट्री होगी, उस मिलिट्री के अंदर डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको 25% जो सीट है, जो 25% जो सीट है वो आपको रिजर्व रखनी होगी आर्मी के लिए। उसका मतलब है कि अगर 664 मेंबर हाउस में आपके हैं तो 166 मेंबर जो हैं आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अब होता ये है कि आर्मी को इसके साथ साथ वीटो पावर भी मिलेगी। अगर आर्मी को लगता है कि भैया मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो वो चेंज कर सकती है क्योंकि उसको पास वीटो पावर दे दी गई। आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आर्मी कह रही है कि भैया डिफेंस और इंटरी मिनिस्ट्री भी मेरे को दो। 25% की सीट जो है पार्लियामेंट है म्यांमार की, उस पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी सीट उसका 25% रिजर्व ही रखो, साथ साथ में आर्मी के पास पावर होगी वीटो पावर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल प्रो मिलिट्री हो गया, मिलिट्री को ज़्यादा सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। पहले तो इनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो अपोज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर ओवर द टाइम चल ठीक है यार बढ़िया है। अब क्या होता है कि
इलेक्शंस होते हैं 2015 के अंदर, हालांकि 2008 के बाद भी इलेक्शंस होते हैं, जब आर्मी को लगता है कि यार ज़्यादा हमारा कुछ रह गया नहीं गया है तो ठीक है चुनाव करवाओ। 2015 में चुनाव होता है, एनएलडी जीतती है, सब कुछ समूह चलता है, फिर 2015 में ही वो रखाइन स्टेट का इशू होता है। सुकी को ये लगता है कि यार आर्मी का मुझे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तो आर्मी का अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो आर्मी को मैं कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा ठीक है। उन्होंने आर्मी को कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने देखा कि हाँ ठीक जो हो रहा है हो रहा है। फिर उन दुनिया में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को लेकर के इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं, बट सुकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो उन्होंने तो अपनी इमेज बचानी कह लो, डेमोक्रेसी का आर्मी का सपोर्ट कह लो कि उसको वो बना रहे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान ओवर द टाइम जो है सुकी को ही होता है। चलो यहाँ होता क्या है, जो आर्मी है, आर्मी की जो सीट है वो ऑलरेडी रिजर्व है भाई, उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। आर्मी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही है उसका नाम है यूएसडीपी पार्टी। तो अब यूएसडीपी पार्टी को कितनी सीट चाहिए, 167 सीट चाहिए। अगर आप इतने सीट, मतलब अगर मेरे पास 664 नंबर है तो 664 के अंदर 25% आर्मी को रिजर्व होगी। आर्मी ने सपोर्ट कर दिया किसको, यूएसडीपी की पार्टी को। यूएसडीपी की पार्टी को सिर्फ कितनी सीट लेनी है, मतलब देखा जाए तो उसको सिर्फ आर्मी की सीट ऑलरेडी रिजर्व है, यूएसडीपी को सिर्फ 167 सीट लेनी है। जैसे आप ले लोगे वैसे ही जो है आप आर्मी के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बना लोगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी ऑब्वियसली आर्मी का ही होगा, ये एम्बिशन थे जो जनरल है मिंग आंग हिलांग, जो वहाँ के जनरल हैं, वो दरअसल प्रेजिडेंशियल एम्बिशंस रखते हैं। उनको पता है कि यार जिस दिन यूएसडीपी जीतेगी उस दिन मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। अब होती है चीज़ें गड़बड़ जब इलेक्शन होता है नवंबर के अंदर, तो उसमें एनएलडी जो पार्टी है, आंग सान सूकी की पार्टी, उनको सीट मिल जाती है 330 सीट्स, और ये मतलब वहाँ की जो जनता है बहुत ही ट्रेमेंडस लेवल पे उनको वोट देती है और उनकी गवर्नमेंट बनती है। अब गड़बड़ ये हो जाती है कि यूएसडीपी को तो 167 चाहिए सीट चाहिए थी, लेकिन वो किस पे रहेगी, सिर्फ 30-33 सीट के साथ ही उनको जो है संतोष करना पड़ रहा है। और जैसे ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं बन पाएगी, यानी मिलिट्री का जो बंदा है, जो हेड है, वो प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाएगा। वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा तो आर्मी की जो हेडक्वार्टर है ततमादाव कह लो, वहाँ पर अलार्म बन जाता है कि बोला यार ये गड़बड़ है। यूएसडीपी कहती है, यूएसडीपी से पूछा गया भाई ऐसा क्यों हुआ, 33 सीटें क्यों ली, बोला यार मुझे लगता है कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। उनको तो एक बहाना चाहिए था, इलेक्शन का फ्रॉड का बहाना करके उन्होंने क्या किया, पूरा कूपी कर दिया। इससे पहले कि आप पार्लियामेंट में कन्वीन करते, आते बैठते, शपथ लेते, उससे पहले ही सब कुछ फिनिश कर दिया गया। तो ये है कहानी। मेन चीज़ क्या है कि वहाँ का प्रेसिडेंट है, सॉरी वहाँ का जनरल है आर्मी का, वो बनना चाहता है प्रेसिडेंट। किसकी हेल्प से वो बनना चाहता है, यूएसडीपी की हेल्प से। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी काफ़ी पावर दे रखी है आर्मी को। अब दिक्कत ये है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए बंदे को पता है क्या, ठीक है ज़्यादा ज़्यादा अब मुझे सीट चाहिए 167, लेकिन मिलती है सिर्फ 33। जैसे ही मिले इसका मतलब है कि 166 + 33 मिलकर के आप गवर्नमेंट नहीं बना रहे, यानी जो सीट मिली है 330 सीट्स एनएलडी को, वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसके बराबर भी नहीं आ रहे। गवर्नमेंट उनकी बनेगी, गवर्नमेंट उनकी बनेगी तो चलेगी उनकी, ये मेरे एम्बिशंस के अगेंस्ट चली गई। आर्मी ने पूरा कूप कर दिया, बोला यार तुमने गड़बड़ की है। और अगर आप ये हाल फिलहाल न्यूज़ में देखोगे तो पता चलेगा कि इस आंग सान सूकी के ऊपर एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि उन्होंने जो विदेशी शक्तियों से पैसे लिए हैं, सोना लिया है, अच्छा खासा $6 मिलियन जो है फंडिंग भी लिए। 6 मिलियन डॉलर मतलब क्या होता है, 6 लाख डॉलर फॉरेन फंडिंग हुई है सुकी को, और साथ साथ में सोना भी आया है, गोल्ड गोल्ड भी आया। तो ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, और बेसिकली तो मेन चीज़ ये है कि उनको बाहर रखा जाए। पॉपुलरिटी सुकी की इतनी ज़्यादा है कि लोग सड़कों पर भी आए उनके खिलाफ, आर्मी के खिलाफ भी आए हैं, बहुत आवाज़ बुलंद भी हुई है, बट आर्मी है ब्रूटल लेवल पे, उनको क्या करेगी, रोकेगी। तो बकायदा बीच में आया भी था एक न्यूज़ की कोई प्रोटेस्टर थे, उनके बिल्कुल सीधे माथे पे गोली मार दी गई। तो
तो वहां पर अभी ये इश्यू चल रहा है, इंडिया ने साइड कर लिया है, चाइना सोच रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मिलिट्री पूरी की पूरी वहां पर ऐसे इमेज बना के बैठी है कि आंग सान सू की जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। इसमें मुझे क्या याद रखना है कि 1989-90 से पहले गवर्नमेंट थी, मिलिट्री आई, मिलिट्री ने कूप किया, फिर 2008 तक आते आते मिलिट्री को लगा कि यार अब हमारी इमेज उतनी अच्छी नहीं रही जितनी रहनी चाहिए थी, एक एक जनता के सामने अच्छा मैसेज जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन एनएलडी को पसंद नहीं है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैक्सिमम पावर यहाँ पर आर्मी को मिल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आर्मी नहीं जीत पाई, आंग सान सू की जीती, जनरल को ये चीज़ पसंद नहीं आई, पूरा का पूरा कूप कर दिया। ये सारी सिचुएशन है वहाँ की अभी बनी हुई, अभी देखते हैं ये होना क्या है। फिलहाल के लिए तो उन्होंने बोला एक साल के लिए जो है मिलिट्री कूप रहेगा, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगी, उसके बाद हम वापस से चुनाव करवाएंगे, फिर देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं आप जोड़ करके मक करके कर सकते हैं, आप बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पड़ोसी देश से न्यूज़ आ रही है कि पहले तो ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है, अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजिकली टर्मिनल होगा ये, कोलंबो ने पहले तो बोल दिया था कि भैया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो इंडिया के प्रेजेंस में बनेगा, इंडिया के स्पोर्ट में बनेगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, बोला यार कि हमारे ये जो पोर्ट वर्कर यूनियंस है दरअसल इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज्ड कर रहे हैं। जब आपने ये चीज़ मना कर दी, फिर उसके साथ साथ आप चाइना को अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेक्टर कैसे दे रहे हो? खैर उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था, बेसिकली ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, इंडिया चाइना सॉरी इंडिया जापान और श्रीलंका के बीच में। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पोर्ट डेवलप करेंगे कोलंबो के अंदर, मगर श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका के अंदर कुछ मेजर पोर्ट है, जिसमें एक पोर्ट है पोर्ट ऑफ कोलंबो, दूसरा पोर्ट है पोर्ट ऑफ गाले, और हम्बन बटोटा जो पोर्ट है उससे तो आप अवेयर होंगे ही होंगे, वो न्यूज़ में बना रहता है। हालांकि अभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है नहीं, इसकी जो अभी कैपेसिटी है 29 वेसल्स पर मंथ की है। अगर मैं कोलंबो की बात करूँ तो सबसे बड़ा पोर्ट यही, और यहीं पर आपका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनना था। यहीं पर एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ त्रिकोण माली, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर में आती है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर में, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है इसकी जितनी होनी चाहिए थी, और ये मेजर पोर्ट्स में आता है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी एक सीज़न आया है इंडिया का द फैमिली मैन, उसमें अगर एक अगर आप एक पॉइंट पे आओगे तो देखोगे जब ये वाले जो बेल्ट है ना नॉर्थ वाले बेल्ट, ये बेल्ट लिट्टे यानी लिबरेशंस टाइगर जो तमिल इलम थे, जो फ्रीडम चाहते थे तमिलियंस के लिए, उनके लिए मूवमेंट कर रहे थे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लॉजेस ऐड करवाना चाहते थे, उनको जॉब्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते थे श्रीलंका में, और श्रीलंका के लोग जो हैं खासकर जो सिहनलीज श्रीलंकीज हैं वो रिलेक्टेंट थे उनको जॉब ना देने के लिए। तो ये इशू था, और ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है लिट्टे वाली थी। आज भी तमिलियन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है इस रीजन के अंदर। तो जब फैमिली मैन टू देखोगे तो वहाँ पर एक ऐसा सीन आएगा जब यहाँ से जो बारूद असला है या जो एक्सप्लोसिव है उसको निकाला गया था, तो याद करो पॉइंट पेड्रो, ये वो पॉइंट पेड्रो वही है, ठीक है। तो बात हो रही है कोलंबो की, तो कोलंबो के पास मुझे एक है ना ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाना था, और वो जो टर्मिनल है होगा वो स्ट्रेटेजिक होगा, और जब स्ट्रेटेजिक की बात आती है तो बेसिकली यही चाइना जापान रशिया अमेरिका ये सब आ जाते हैं। यानी बस अगर मैं कहूँ कि इंडिया में जो अरेबियन सी के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो दो हमारे आइलैंड हैं, एक है लक्षद्वीप एक है अंडमान एंड निकोबार, ये दोनों के दोनों आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक आइलैंड हैं। मतलब यहाँ से हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि भैया कौन हमारे नज़दीक आ रहा है, कौन हमसे दूर जा रहा है, कौन हमारे लिए एनिमी है। तो ये स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है, डिफेंस परस्पेक्टिव की बात कह सकते हैं। तो पहले तो बोला कि यार हम बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में आपने क्या कर दिया, इसे हटा दिया और बोला कि नहीं नहीं अब जो है इसको सिर्फ कोलंबो जो पोर्ट बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ कोलंबो की जो पोर्ट की जो अथॉरिटी है वही बनाएगी, अब इसमें इंडिया का और जापान का कोई लेना देना नहीं है। कारण बताया गया कि जो हमारे पोर्ट वर्कर्स हैं वो इसका अपोज्ड कर रहे हैं, ये उन्होंने कारण बताया। तो ठीक है भैया, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ईएसटी की के इस ईएसटी के साथ आज भी भैया तुम डेवलप बाद में करोगे, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अगर मैं बात करूं तो 78% जो बिजनेस होता है स्पोर्ट्स से वो इंडिया के साथ ही मैक्सिमम होता है। यार इंडिया तो आ ही रहा था ना ऑलरेडी, फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जो भी रही हो, चाइना का इन्फ्लुएंस रहा हो, चाइना का प्रेशर रहा हो, क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, और हो सकता है चाइना का कोई प्रॉपर हो, उन्होंने बता दिया यार ये तो वर्कर्स यूनियन है। वर्कर यूनियन की कौन सुनता है? जहाँ गवर्नमेंट अपनी बात आ जाए तो वहाँ वर्कर यूनियंस के सुनेंगे क्या? ना, तो वर्कर यूनियन के सुनने की बात ही नहीं है। लेकिन खैर तुमने क्या किया, इंडिया और जापान को बिना बताए आपने क्या किया है कि इसको कह दिया कि भैया हम आपके इसका हिस्सा नहीं हो सकते, अब हम आपके सपोर्ट के बिना ही हम ईसीटी को डेवलप करने वाले हैं।
ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया यूनिलैटरली, जबकि एग्रीमेंट ये ट्राइपार्टाइट था। पहले यार हमें बुलाओ तो सही, और इंडिया इसको लिए ऑब्जेक्शंस भी रखेगा कि यार ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, हमने किया भी था, तीन देश थे, आपने अकेले डिसीजन ले लिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए ये पोर्ट की जो प्रोजेक्ट थी वो काफी प्रायोरिटी में थी, लेकिन ये तो ठंडे बस्ते में चला गया। चलो, इसमें श्रीलंका का और इंडिया और जापान का जो परसेंटेज होने वाला था वो 51% और 49% होने वाला था। इसमें 51% जाता श्रीलंका की जो पोर्ट अथॉरिटी है उसको, और 49 जाता था इंडिया और जापान को, कि जितना भी इसमें फंडिंग फंडिंग होगा, पैसा पुसा आएगा, जो भी है वो 51-49 के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। लेकिन ठीक है भैया, कुछ गड़बड़ हो गई और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो बस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडिया जापान और श्रीलंका बाहर निकल गए, 70% यहाँ से बिजनेस इंडिया के साथ होता है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिना बताया, 51% 49% की यहाँ पर आपकी स्टेक थी। चलो, तो ये पोर्ट हो गया, पोर्ट का आइडिया है। उसके बाद सर यहाँ पे चलते चलते मुझे सूचना याद रखना है कि प्री के अकॉर्डिंग जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल एक एक्ट न्यूज़ में था जिसका नाम था कू क्लुक्स क्लैन एक्ट, कू क्लुक्स क्लैन एक्ट, सॉरी अटैक कह रहा हूँ मैं, एक्ट कू क्लुक्स क्लैन एक्ट, ये इम्पोज्ड हुआ था। तो बताइए ये हाल फिलहाल किस कंट्री के अंदर या इंटरनल मैटर पे ये यूज हुआ था। अभी हाल फिलहाल कू क्लुक्स क्लैन अटैक न्यूज में था, बताइए क्यों था। तो ऐसे क्वेश्चन प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी इस न्यूज में कितनी कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है यार तुम्हारी संसद पे अटैक हो गया, अटैक हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे, हार पचा नहीं पाए, वहां के लोग थोड़े जज्बाती हो गए, निकल लिए, अटैक कर दिया, ठीक है हो गया। मेन मुद्दा यह है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक एक्ट इम्पोज हुआ जिसे हम कू क्लुक्स क्लैन एक्ट एक्ट कहते हैं। और जब आप इस कू क्लुक्स क्लैन एक्ट की बात करोगे तो इसके लिए मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, हॉलीवुड की एक फेमस मूवी आई थी लिंकन, और अब्राहम लिंकन फेमस माने जाते हैं 1861 और 65 में जब सिविल वॉर छिड़ा था, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका अलग हो चुका हो था, नॉर्थ के जो लोग थे वो स्लेवरी को बैन करना चाहते थे, जो ब्लैक लोग थे उनकी स्लेवरी को बैन करना चाहते थे, उनके इक्वलिटी के फेवर में थे, अब्राहम लिंकन ने उनको फेवर में ले लिया था। जो साउथ था उस समय का, और मैं बात कह रहा हूँ ईस्टर्न अमेरिका की, जो आज ईस्ट अमेरिका में उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिधर न्यूयॉर्क वगैरह की बेल्ट है, उधर साउथ वाले लोग कहते थे कि नहीं स्लेवरी बनी रहनी चाहिए, ये हमारे अंडर ही काम करने चाहिए, और इस वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ छिड़ गई थी, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई, और उस लड़ाई में जो है नॉर्थ ऑलमोस्ट जीत गया था, जीत ही गया था वो। और फिर 13th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट है 13th अमेंडमेंट विच इज़ द फेमस वन, जो कहते हैं कि स्लेवरी को बैन कर रहा है, हालांकि पार्शली बैन हो पाया, वो पूरी तरह से बैन भी नहीं हो पाया था। तो उसी समय ऐसे लोग जो अपोज कर रहे थे स्लेवरी को, स्लेवरी बैन को, तो जो अपोज करने वाले लोग थे वो लोग थे कू क्लुक्स क्लैन, जो स्लेवरी या इक्वलिटी के फेवर में नहीं थे, रेक्सिस्ट लोग थे, वॉलेंटली रेक्सिस्ट लोग थे, वो बनाए रखना चाहते थे स्लेवरी को, तो उनको नाम दे दिया गया था कू क्लुक्स क्लैन। और अगर कू क्लुक्स क्लैन एक्ट लग रहा है ट्रंप पे, इसका मतलब साफ है कि वो बात आ रही है ब्लैक लोगों की, रेक्सिज्म की, कि ट्रंप कहीं ना कहीं रेक्सिज्म को सपोर्ट कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान रखना, ये प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की जरूरत है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा न्यूज़ में रह नहीं सकता। कू क्लुक्स क्लैन अटैक, फिर उसके बाद अमेरिका ने जो है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी जो रशिया के साथ है वो एक्सटेंड कर दी है। मेन चीज़ ये है कि अमेरिका के बीच में और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर एरा इन्होंने देख लिया, कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा देख लिया इन्होंने, तो इनको यही लगा कि अगर एक बेटर वर्ल्ड चाहिए हमें, तो हमें अपने जो आर्म्स हैं, जो हमारे पास बारूद असला है, उसको कम करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखना चाहिए, और इसके लिए हमें संधि करते रहनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटी रशिया के बीच में और चाइना अमेरिका के बीच में हुआ भी है, जो आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट बने हुए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आर्म्स की रेस में भागोगे आपको उतना ही पैसा वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका बहुत हैवी अमाउंट अपनी जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करता है, इसी चक्कर में अगर मैं देखूँ कि अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए चाइना भी अपना बहुत सारा अमाउंट जीडीपी का डिफेंस पे खर्च कर रहा है, इंडिया की भी मजबूरी, हालांकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, उसे अपनी अपना डिफेंस भी मेंटेन करना है, क्योंकि पड़ोसी जो देश हैं वो गए गुजरे देश हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है। तो आर्म्स जो रेस है बड़ा गंदा रेस है, इस पर बहुत सारा पैसा जाया जाता है,
ये पैसा बच सकता था अगर ये पीसफुल आप रहते तो, और इस पीसफुल नेशन में अगर मैं वर्ल्ड पे अमेरिका और रशिया दोनों की बात करूँ, अगर ये ठंडे पड़ जाते हैं तो ऑलरेडी चीज़ें ठंडी पड़ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको दोनों को मिलकर के चाइना को धमकाना, वो वैसे शांत हो जाना है, क्योंकि उसे पता है जीत तो वो वैसे भी नहीं पाएगा, लेकिन आपके बीच में वो म्यूचुअल अग्रीमेंट भी नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 70 के दौर से लेकर के 2011 के आसपास आते हुए बहुत सारे आपके पास एग्रीमेंट हुए, जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ या एक ट्रीटी हुई जिसे मैं कहता हूँ एबीएम ट्रीटी, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। फिर एक आपकी ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी को बोलते हैं हम लोग आईएनएफ ट्रीटी, यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। बेसिकली बात हो रही है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी जो मिसाइल वगैरह होती है मुझे उनको रोकना है, न्यूक्लियर फोर्सेस को रोकना है। फिर आपके साथ एक ट्रीटी हुई थी स्टार्ट, और फिर एक ट्रीटी हुई थी शॉर्ट, और हाल फिलहाल जो ट्रीटी हो रही है वो न्यू स्टार्ट है, जिसको लेकर के 2011 में इसको एक्सटेंड किया गया था, रशिया बैकआउट कर गया था, वापस अब अमेरिका ने ये इच्छा जताई है कि हम न्यू स्टार्ट को वापस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 5 साल के लिए लेकर के आएंगे, फिर इसको रिव्यू करेंगे, फिर हम देखेंगे कितना और आगे ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम तक ले जा सकते हैं या नहीं। तो ये है सारा न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट क्या है, रशिया और अमेरिका के बीच में आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी है। उसके बाद डियर जी, युगांडा के अंदर वार क्राइम को लेकर के आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का जो कमांडर है उसको उन्होंने वार क्राइम के लिए, ह्यूमैनिटी के क्राइम के लिए सजा दी। इसमें जो मेन न्यूज़ में है वो तो एक अफ्रीका का वो देश है जिसे मैं युगांडा का नाम देता हूँ। तो अफ्रीका की कौन सी बेल्ट, एक तो होगी आपकी युगांडा की बेल्ट, ठीक है, फिर होगी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर होगी आपके बाद सूडान, सूडान का दारफूर, ये भी न्यूज़ में रहता है। उसके बाद डियर जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद नाइजीरिया, ये ऐसी कंट्री हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, है ना, बोको हराम जैसे आतंकवादी गतिविधियाँ नाइजीरिया में एक्टिव रहती हैं। तो उसी में नाम आ रहा है यहाँ पर युगांडा के, जो वहाँ पर एक आर्मी है जिसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी, उसका जो कमांडर है बेसिकली उसको ये सजा दी गई। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको क्या सजा दी गई है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वॉर क्राइम्स है या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है उसके लिए जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, खत्म। दूसरा भैया, हाल फिलहाल एक लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी न्यूज़ में भी थी, बताइए वो किस कंट्री की रिबेल आर्मी है, युगांडा की। बस इसके अलावा मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं कहूँ कि इसने किसको जद में ले लिया था, सूडान, डीएमआरसी, डीआरसी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बस, क्योंकि अरब के नेशंस काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, सॉरी अफ्रीका के, अरब का। न्यूज़ में है यूनाइटेड अरब एमिरात्स, यूनाइटेड अरब एमिरात्स ने मास के ऊपर किसी भी अरब कंट्री के लिए, ये पहली एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है अभी के लिए कि भैया कोई अरब कंट्री जो अपने इंटरनली कहीं ना कहीं फंसी हुई है उनमें से कोई एक देश बाहर निकलता है और इंटरप्लेनेटरी मिशन, आप सीधे निकलते हो अर्थ के बाहर, आप जाते हो मंगल पे, ये बड़ी चीज़ है। किसी भी अरब कंट्री में पहला खिताब पाना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, वरना तो तुम है ना अपने रिलीजन के अंदर ही घुसे रहते हो, वही मुस्लिम मुस्लिम चलता रहता है भैया, वही इसराइल चलता रहता है, मतलब इस तरफ की तरफ ध्यान ना दे करके यूएई कहीं और ध्यान दे रहा है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ भी रहा है। तो इसका जो उन्होंने नाम रखा था जो मार्स के ऊपर जाएगा, रीजनल लेवल पे उसका नाम अल अमाल है, और इंग्लिश में, अरबिक में उसका अल अमाल है और इंग्लिश में जो है उसका नाम होप है। तो यूएई ने एक होप मिशन भेजा, बताइए किस ग्रह पे, मार्स पे, बात खत्म। तो होप या फिर अल अमाल, और कहाँ से भेजा है इन्होंने, ऑब्वियसली इनके पास जो है रॉकेट लॉन्च, जो सेटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं, ये जो इस तरह के जो प्रोब्स भेजते हैं, ऐसे मिशन भेजते हैं, तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए वो किसकी हेल्प ले रहे हैं, जापान की। तो जापान से वो उनका जो मार्स को लेकर के मिशन है वो बाहर निकलता है, और निकल गया दोस्त। अब यूएई ये चाहता है कि 2024 तक जो है हम लोग अब मून पे भी चले जाएं, हम मार्स पे चले गए, अब मून पे भी चले जाएंगे, हमारा जो मेन फ्यूचर है मून की तरफ भी है। अभी यूएई ने जब ये मिशन भेजा था उसके कुछ समय के बाद जब है ये रेड प्लेनेट के ऑर्बिट में आ गया, ये जो ऑर्बिट होता है ना जिसके चारों ओर ये घूमता रहता है, इसके ऑर्बिट में यूएई का जो होप प्रोजेक्ट है वो आ गया उसके ऑर्बिट में, और फिर ऑर्बिट में आकर के उन्होंने तस्वीर भेजनी भी शुरू की।
जो कि सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा वोल्केनो है, लार्जेस्ट वोल्केनो है, जिसका नाम है ओलंपिस मॉन्स। इसका नाम है ओलंपिस मॉन्स, यहाँ आप देखेंगे तो ओलंपिस मॉन्स। तो इसकी सबसे पहले उसने तस्वीर भेजी है अर्थ के ऊपर या यूएई के ऊपर। रेड प्लैनेट्स की ऑर्बिट में पहली इमेज जो उन्होंने भेजी है, पोलर सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा वोल्केनो है जिसका नाम है ओलंपिस मॉन्स। उसका मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ तो यूएई का एक मिशन है जिसका नाम होप है, वो किस प्लेनेट पे गया, वो मार्स पे गया। अब वो अगले 687 दिन, अगर ये 687 डेज को अगर देखोगे तो ये इसका एक साल के बराबर है। इस तरह से अर्थ का एक साल 365 दिन में होता है, मार्स का एक साल 687 दिन में होता है। मतलब वो एक साल के लिए यूएई का जो होप है वो मार्स के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, तब तक वो वहां पर क्या करता है, मार्शियन ईयर जिसे बोल सकते हैं, तस्वीरें भेजेगा और उसको स्टडी करने के लिए यूएई जो है, यूएई की जो साइंटिस्ट को स्टडी करेंगे कि भैया जो अपॉर्चुनिटी कह रही है कि जो यूएसए की, क्योंकि चाइना ने और यूएसए ने दोनों ने भी इस तरह के अपने एक साथ जो है मार्स को स्टडी करने के लिए अपने मिशन भेजे थे। और नासा ने ये सबसे पहले बताया कि हाँ यार इस पे ना पानी भी हो सकता था, मतलब हो सकता है और यहाँ था पानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टडी चल रही है, अब देखते हैं वो स्टडी कितनी आगे तक चलेगी कि क्या अर्थ के पैरल में कोई दूसरा प्लैनेट ऐसा हो सकता है जहां पर जीवन संभव है। अब ये कह रहे हैं यूएई वाले कि यार हम तो अब चांद पे भी जाएंगे। चलो तो बहुत अच्छी बात है, कोई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। अब जैसे श्रीलंका की बात चल रही है, श्रीलंका ने तो बोल दिया कि जो भैया हम कोलंबो का जो प्रोजेक्ट है वो अब हम ट्राइपेटाइट ना करके बाय ओन ही करेंगे, खुद ही करेंगे, क्योंकि इंटरनली कंफ्लिक्ट बहुत आ रही है। लेकिन पैरेलल में आपने क्या किया है, तमिलनाडु से सटते हुए लगभग लगभग 50 किलोमीटर पे कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो श्रीलंका के अंडर में हैं, आपने वहां पर चाइनीज अथॉरिटी को या चाइनीज कंपनी को आपने ठेका दे दिया है, जो कि जाफना पेनिनसुला के बहुत नज़दीक है, तमिलनाडु कोस्ट के बहुत नज़दीक है। बिग अचीवमेंट है श्वेता, फॉर यूएई, ऑब्वियसली फॉर यूएई या फिर किसी ऐसे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। क्यों मेरे भाई, इंडिया ने तो इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी दिया है। आप एक समय तो कह रहे हो कि भैया हमारे इंटरनल लेवल पे बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं और आपने कोलंबो का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसका प्रोजेक्ट आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। पैरेलली आप जो है चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु के कोस्ट पे, तो हमारे लिए तो क्वेश्चन मार्क बन करके आता है। चाइना की जो डिप्लोमेसी है, स्ट्रिंग पल्स पॉलिसी और इंडिया के बहुत नज़दीक पहुंचने की पॉलिसी, उसके ऊपर तो आप सवालिया निशान लगा रहे हो। और आपने ये जो चीज़ दी है ये बहुत नज़दीक जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो आइलैंड है, एरिया ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके कुछ आइलैंड है जिसमें एक का नाम है नैना तीवू, एक का नाम है दल्फ आइलैंड, अनाला तीवू। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर आप लोगों ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइनीज एनर्जी फर्म को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ठेका दे दिया है। इसका मतलब ठेका तुमने दे दिया तो कहने की बात है, लेकिन आपने नज़दीक कर दिया है चाइनीज को इंडिया के, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे ठीक नहीं है। इंडिया ने इसको लेकर के काफ़ी ऑब्जेक्शन भी दिया है, लेकिन ठीक है ऑब्जेक्शन देने दो। चाइना जैसे मैंने आपको बताया, चाइना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी। इवन 2018 में चाइना का जो 300 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, जो वाटर अफेक्टेड एरिया है यानी जाफना पेनिनसुला वाला रीजन, वहाँ पर घर बनाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना, चाइना ने कहा कि यार हम आपको पैसा दे रहे हैं और ये पैसा जो होगा ये आपका लोन नहीं है, ये ग्रांट है, और ग्रांट का पैसा वापस देना नहीं होता, हम सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि यार ठीक है यहाँ पर वार टॉर्न रीजन है, लड़ाइयों से काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है ये क्षेत्र, हम आपको रिसेटलमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। इंडिया कह रहा है यार क्यों दे रहे हो, जब आप इससे पैसा ले रहे हो हमसे ले लो, हम कर देते हैं, हम भी आपको ग्रांट ही देंगे, हम नहीं देंगे लोन, लेकिन चाइना से मत लो। लेकिन फिर वो कहता है यार मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पूरा का पूरा फंड है प्रोजेक्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिया को भी मानना पड़ेगा, श्रीलंका को भी मानना पड़ेगा, तो भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी तरफ से ये सारा का सारा सैंक्शन हुआ है। सिर्फ श्रीलंका ने तो प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया कि हाँ ठीक है यार तुम यहाँ कर सकते हो, बाकी सारे बोल बच्चन गिरी एशियन डेवलपमेंट बैंक की दोस्त है इंडिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया कहता है भैया समझ रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज सबमरीन जो है वो कोलंबो पोर्ट तक 2014 में पहुंच गई थी, तो बताइए ये क्या था। तो श्रीलंका फिर वही कहता है अब्बा डब्बा जब्बा, भाई हमें नहीं पता कुछ भी, हम तो बस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे बिल्कुल नज़दीक है जाफना पेनिनसुला के ये वाले आइलैंड, और इसमें कौन सा फेमस है, डेल्फ आइलैंड, जहाँ पे आप ये अचीवमेंट ये दे रहे हो। उसके बाद न्यूज़ आ रही है हमारे सीधे चाइना से,
चाइना ने अभी हाल फिलहाल जो है, जिसे हम लोग जो मिलिट्री पेपर कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी पेपर है, जो ये बताती है कि भैया उसके लिए दुनिया में कौन कौन से कंसर्न बनते रहते हैं। यानी ये ठीक वैसा ही है कि इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो मिलिट्री है, एक पेपर निकालेगी डिफेंस परस्पेक्टिव कि कौन सा देश उसके लिए दोस्त है, दुश्मन है, या चाइना क्या क्या कर रहा है, चाइना को हम कहाँ रोक सकते हैं, चाइना किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उन चीज़ों के लेकर के रिपोर्ट बना दी है इंडियन आर्मी ने। ठीक वैसे ही चाइनी की आर्मी ने भी एक पूरा का पूरा एक पेपर जो है वो रिलीज़ किया, और उसमें ये बताया कि इंडिया जो बेसिकली उसके लिए कंसर्न कितना बन रहा है। अगर न्यूज़ पे जाएं तो जो पेपर का नाम है वो नाम है साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, 2013 में ही हालांकि रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसको अभी उसके वर्जन जो हैं अभी अपडेट हो रहे हैं। 276 पेज की ये चाइनीज़ डॉक्यूमेंट है जी जिनपिंग के टेन्योर में ये रिलीज़ की गई थी, और अभी इसको पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया है कि बेसिकली उनके पेपर में इंडिया को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव है। वो ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है साउथ एशिया के अंदर, और उस चीज़ को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। जो इंडियन ओशन है डेफिनेटली वो इंडिया का ओशन है, इंडियन ओशन इज़ डेफिनेटली इंडिया का ओशन, उस पर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बॉस। और इंटरनेशनल जो स्टेटस है इंडिया का वो डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है, उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो धाक है इंडिया की वो भी बन रही है। ये कौन कह रहा है? ये चाइना कह रहा है अपने पेपर के अंदर, और वहाँ पर वो कई काफ़ी सारे स्टेज में बताता है कि कैसे इंडियन आर्मी ने या इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया। तो वो सारे बोल बच्चन की तो अपनी करनी नहीं, बस मेन चीज़ उसका ये है कि अगर इंडियन ओशन इज़ फॉर इंडिया और साउथ एशिया में वो रीजनल पावर बन रहा है, तो डेफिनेटली वो नेवी को बनाने की बात कर रहा है, और उसकी नेवी बनने का मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा है इंडियन चाइना के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे कब्जा करना चाहता है चाइना। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ, जिसके पास इंडियन ओशन उसके पास पूरा का पूरा जहाँ है इंडिया। चाहे आप पुर्तगालियों के परस्पेक्टिव पढ़ लेना, कि पुर्तगालियों ने भी आकर के इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और उसके बाद ब्रिटेन ने भी आकर के इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और डिएगो गार्सिया ने आज भी यूएसए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो द फर्स्ट व्यू इंडिया एज द हार्ट ऑफ एशिया एंड दैट ऑफ इंडियन ओशन इज इंडियाज ओशन। तो ये बात कह रहा है कौन? चाइना। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, हालांकि बहुत सारे इशू है चाइना के और इंडिया के बीच में। उसमें एक इशू जो है वो आपका इंटरनेशनल लाइन को लेकर के, जिसमें मैकमोन लाइन हम सब जानते हैं कि मैकमोन लाइन जो है उसको चाइना नहीं मानता, बोला यार हम मानते नहीं, क्योंकि 1914 में हुआ था और तब तो हम ब्रिटेन के अंडर थे, हमारी तरफ से थोड़ी हुआ था, तो ये तो हमारे ऊपर जो बैठे थे लोग उन्होंने ये डिसीजन लिया था, हम नहीं मानते। और फिर न्यूज़ में कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर ये मानते हैं कि पूरी की पूरी लाइन जो है ये मैकमोहन लाइन है। दरअसल ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन है, जो अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर है, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है उसे हम अर्दाग जॉनसन लाइन भी बोल देते हैं। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख लेना, वेस्टर्न सेक्टर को हम लोग अर्दाग जॉनसन लाइन बोलते हैं और ईस्टर्न सेक्टर को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। यहाँ पर उसको लेकर के इश्यू है, बाकी आपको पता ही है। फिर चाइना ये कहता है कि यार जो इंडिया है और जो जापान है, जापान तो आएगा साउथ चाइना सी की तरफ और इंडिया आएगा इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी की तरफ, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी डेडली है इस रीजन के अंदर। ये पूरा जापान का साउथ चाइना सी की तरफ आना और ये आना इंडिया का इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी की तरफ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनना मतलब काफ़ी डेडली है। ऑलरेडी जापान और इंडिया आ चुके हैं, इधर से ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और उधर से अमेरिका जो है वो भी सपोर्ट करने के लिए आ गया, तो चार कंट्रियों का पूरा एक ग्रुप बन गया जिसको हम क्वाड कहते हैं। क्वाड को लेकर के भी चाइना ने काफ़ी चिंता जताई है कि अगर ये क्वाड एक साथ हो गया और हो रहा है तो भैया हमें अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर ये दो देश ही हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकते हैं, जिसे मैं जापान या फिर इंडिया के नाम से भी जान सकता, और ऑलरेडी वो इंडिया को एक पोटेंशियल थ्रेट अब बताने लग गया है। ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया की इमेज सुधरी है वो भी काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर रहा है। तो ये जो आर्क बन रही है ना, ये जापान की और ये इंडिया की आर्क बन रही है, ये घेरने की कोशिश है चाइना को। तो वैसे भी हम जानते हैं कि चाइना का अगर कोई दोस्त है तो वो गिने चुने दोस्त हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान है बस, और दो चार गिने चुने दोस्त, मतलब जिधर है ना कुख्यात आतंकवादी गुंडे टाइप मिलेंगे ना जो देश में, समझ जाना वो चाइना के सरपरस्त में जो है फल फूल रहे हैं, ये दिक्कत है। और बाकी एक डेवलप्ड नेशन चाइना को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इवन साउथ चाइना सी के अंदर जो डेवलप्ड नेशंस है वो भी चाइना के बिल्कुल अपोज जा रहे हैं। खैर सब चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि तुमने एक पेपर रिलीज किया और इंडिया की जो पावर को तुमने आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चल यहाँ तक हो गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO,
और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नियर पैरालाइज इंस्टीट्यूशन है, साफ बोला जा रहा है नियर पैरालाइज, क्योंकि हाल फिलहाल हम देखते हैं रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है डब्ल्यू टी ए के थ्रू, इतनी ज़्यादा हुई नहीं, डब्ल्यू टी ओ के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, उसको जो करना चाहिए वो उतना वो कर नहीं पा रहा है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जो है वो डिसीजन ले पाता है, एक कॉमन जो एक एटीट्यूड होना चाहिए डब्ल्यू टी ओ का वो है नहीं, इसी वजह से डब्ल्यू टी ओ के ऊपर अब ज़्यादा ट्रस्ट रहता नहीं है, बहुत सारे सैंक्शंस होते हैं जो डब्ल्यू टी ओ फालतू में लगा देता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के। रशिया किसको सपोर्ट करता है, तो डियर अब यारी से रशिया सपोर्ट करता है सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ सपोर्ट है, और खासकर रशिया मेन जो जो ध्यान है वो यूरोप की तरफ ध्यान लगा रहा है, यूरोप की तरफ ही ध्यान है रशिया का ज़्यादातर, साउथ ईस्ट एशिया में ठीक है, क्योंकि अगर आप उधर देखोगे तो उधर लोग थोड़ी हैं, उधर तो साइबेरिया रीजन काफ़ी ठंडा इलाका है, रशिया तो वैसे उधर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने पर बहुत बात कर रहा है। खैर ये सारी की सारी चीज़ें, तो मेन चीज़ क्या है कि डब्ल्यू टू ए की यहाँ एक हेड बनाई गई है जो कि अफ्रीकन नेशन, पहली फर्स्ट अफ्रीकन लेडी है, लेडी है फर्स्ट अफ्रीकन लेडी, मतलब अफ्रीकन भी और लेडी भी है, वुमेन भी है, तो ये एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं अफ्रीका के लिए, और एक जो चला है ना कि महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी उनके लिए भी एक है ना पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आता है कि भाई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप हेड बन रहे हैं तो बड़ी चीज़ है, और ये खुद अपने आप में बड़ी चीज़ है भाई, वो खुद अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट हैं और ऑलरेडी वो सपोर्ट कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ, वर्ल्ड बैंक की वो वेटरन रह चुकी हैं, नाइजीरिया की बाकायदा फिनांस मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो क्या चाहिए लुटोगे, मतलब इतना ऑलरेडी उनकी अचीवमेंट रह चुकी है, तो डब्ल्यू टी ओ की हेड बनाएंगे तो ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है। और क्योंकि अभी जो पैंडेमिक आया उस पैंडेमिक में जब हम लोग कंट्री वाइज जब एनालिसिस करते हैं कि किस कंट्री ने काफ़ी अच्छा काम किया पैंडेमिक की सिचुएशन में, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिन देशों में वुमेन प्राइम मिनिस्टर या वुमेन हेड हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उन देशों ने उन देशों के मुकाबले ज़्यादा काम किया जिधर मेल हेड होते थे, तो फीमेल हेड ने अपनी कंट्री में मेल हेड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम किया। तो वो एक न्यूज़ में चीज़ें बनी हुई थी कि अब जो वर्ल्ड को जो है औरतों के हाथ दे देना चाहिए, वुमेन के हाथ देना चाहिए ताकि उसको बेटर बना सके। और अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लेवल पर जाओगे तो ओशो जैसे व्यक्ति ने या बुद्धिजीवी ने ये बात कही हुई है कि अगर महिलाएं चाह लें तो फिर लड़ाइयाँ कभी हो भी नहीं सकती, तो महिलाएं चाहती नहीं है, लड़ाइयाँ होना करवाना चाहती हैं इसलिए हो जाती है, तो हमारे जो एपिक्स हैं वो तो भरे पड़े हैं इनसे। खैर तो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए वुमेन के अंडर में वर्ल्ड छोड़ दो, ये ऐसा कहा गया, एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी। खैर वो सब अपने विवेक अधिकार में है, उसको जैसा आप अपने तरीके से लो, लेकिन ये एक अचीवमेंट है ऑब्वियसली अफ्रीका के लिए भी। फिर एक साहेल रीजन है अफ्रीका का, साहेल यानी साहिल, किसका साहिल भैया, या तो मुस्लिम कंट्री का साहिल कह लो या फिर सहारा मरुस्थल का साहिल कह लो। इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी होती है, टेररिज्म एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड नेशन है वो आएंगी, तो उसमें फ्रांस भी आ रहा है, तो फ्रांस कह रहा है कि यार हमारा कोई अभी प्लान नहीं है साहेल रीजन से बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ पर इस साहेल रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि इधर नाइजीरिया भी है, बोको हराम, बाकी सब आप जानते हैं, युगांडा, युगुंडो, कैमरून, सब इस रीजन के तरफ बने रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है। श्रीलंका जो है इंडिया से रिक्वायर करना चाहता है ऑयल टैंक्स को लेकर के, इंडिया की जो सब्सिडरी है कंपनी है जो 2003 के अंदर एक डील हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर के, जो कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका के अंदर प्रोजेक्ट करने वाली थी, तो 2003 में होता यह है कि श्रीलंका ने इंडिया से जो है ऑयल टैंक फार्म जो है वो लीज़ पे ले लिए थे, तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए वापस जो है वो प्रोजेक्ट आ रहा है, और उस प्रोजेक्ट में अगर कोई जुड़ा है तो कौन सा जुड़ा हुआ था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो जुड़ी हुई थी, और अगर वो जो करने वाली, मतलब जहाँ पर ये सारे के सारे जो ऑयल टैंक फार्म डेवलप करने वाले हैं जो कि अभी ठंडे अवस्थे में थे, तो वो हम कहाँ करेंगे, वो हम नेचुरल हार्बर त्रिकोणमाली जो है वो फाइनेंस डील माना जाता है, वहाँ पर हम इस चीज़ को वापस रिकवर करने वाले हैं, चीज़ों को वापस रिक्वायर करने वाले हैं ऑयल टैंक्स को लेकर के, तो त्रिकोणमाली के ऊपर भी हमने बात की थी। बाकी नदन जो श्रीलंका है, श्रीलंका में नॉर्थ श्रीलंका है, जाफना जो पेनिनसुला है उस रीजन में तमिल जो लोग थे उनके ऊपर आज भी सवालिया निशान लगा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, जेनेवा कन्वेंशन होना चाहिए, जेनेवा कन्वेंशन को ले जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के चीज़ें हैं वो भी मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी फरवरी में 46th सेशन होना था वुमेन राइट्स काउंसिल का, उसको लेकर के बाकी चीज़ें चलती रहती है।
इंडिया के अभी पार्लियामेंट मालदीव के साथ जो है रिलेशन बने, तो मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस, जैसे हमारी पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट ही है, बट मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। तो मजलिस के साथ मालदीव गवर्नमेंट, मालदीव के साथ इंडिया की अभी जो डील हुई है, जो पैक्ट हुआ है फरवरी में, वो डिफेंस डील हुआ है। और इस डिफेंस डील में इंडिया जो करेगा, पहली चीज़ करेगा कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट हार्बर है, जो पोर्ट है, उसको डेवलप करेगा, प्लस वहाँ की जो कोस्ट गार्ड है उस कोस्ट गार्ड को डेवलप करेगा। एक होती है नेवी जो डिफेंस परस्पेक्टिव या लड़ाई वगैरह करती है, एक कोस्ट गार्ड होती है जो कोस्टल रीजन्स होता है उसकी सिक्योरिटी की बात करती है। और इंडिया की जो नेवी है और इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है, अगर मैं देखूँ तो वो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काफ़ी काम करती है। तो ह्यूमैनिटेरियन जैसे कि कहीं पे इंडियन पीपल फंसे हुए हैं, यमन में फंसे हुए थे, भाई मुझे निकालना है, तो कौन निकालेगी? नेवी निकालेगी। तो इंडिया की इस इमेज को देखते हुए ही मालदीव जो है यहाँ पर पूरा डिफेंस डील कर रहा है कि यार तुम हमारा पोर्ट भी डेवलप करो, हमारा हार्बर भी डेवलप करो, और हमारी कोस्ट गार्ड को भी डेवलप करो, हमारे डिफेंस को भी डेवलप करो, हम डिफेंस की चीज़ें भी ले सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो कुछ समय पहले तक मालदीव और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं बने थे, बाकी अब वापस ये ट्रैक पे आ रहा है, क्योंकि मालदीव का ये कहना है कि हमारे लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, और इंडिया भी बहुत इमीडिएटली लेवल पे मालदीव की हेल्प भी करता है। मालदीव वैसे भी न्यूज़ में है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से अगर कोई कंट्री सबसे जल्दी ही पानी में चली जाएगी तो वो मालदीव ही है। मालदीव ने जो है एक आइलैंड वगैरह भी खरीद भी लिया है जहाँ पर वो अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर सकता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो जो चीज़ें चल रही है वो चलने दो। तो हाल फिलहाल हमारे साथ डिफेंस डील हुआ इंडिया का किसके साथ? मालदीव के साथ। पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस। ये जीके के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब देश हैं, वो अपनी वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जब तक डेवलप वैक्सीन आएगी, ना जाने ऐसे डेवलपिंग जो नेशन है, और ये अंडर डेवलप्ड हैं नेशन, इनमें ना जाने कितनी पॉपुलेशन जो है वो हाशिए पे आ चुकी होंगी, मर चुकी होंगी, अफेक्ट हो चुकी होंगी। तो भाई एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यूनाइटेड नेशन की WHO ने एक पॉलिसी शुरू की है जिसका नाम है कोवैक्स। अगर पूछा जाएगी वह बताइए जो कोवैक्स है ये किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है WHO का, यूनाइटेड नेशन के WHO का ये इनिशिएटिव है, ताकि अंडर जो प्रिविलेज नेशन है उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा सके। उसी में जो सबसे पहले वैक्सीनेशन जो एक्सपोर्ट की गई थी वो घाना में की गई थी, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर न्यूज़ आ रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है T9 के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली इसका मेन मुद्दा ये है कि जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं, जो इसको रिकॉग्नाइज्ड कर रही हैं FATF को, उसमें वो ये देखते हैं कि जो हमारे मेंबर स्टेट हैं वो उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा बेसिकली टेरर फंडिंग को लेकर के हो रहा है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्या, वहाँ पे ब्लैक मनी का कोई इशू आ रहा है क्या, वो कंट्री इन चीज़ों को लेकर के किस तरह से डील कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो डील कर रहा है बहुत ही एडवर्स तरीके से, उनको पैसा दे दो तो वो टेररिज्म पे फंडिंग कर देते हैं, बोला लो यार बम खरीदो और जाकर के इंडिया में फोड़ो। तो जब देखा गया कि भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कि भाई पाकिस्तान जो अभी भी बाज नहीं आ रहा, तो उसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया। दो तरह की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक होती है ब्लैक लिस्ट। हालांकि एक तीसरी भी लिस्ट होती है जिसे हम लोग व्हाइट लिस्ट बोलते हैं। व्हाइट लिस्ट में जो है वो सेफ है, ग्रे लिस्ट में जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे, ब्लैक लिस्ट में आ गया तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। तो पाकिस्तान को अभी रखा गया ग्रे लिस्ट में, वो ग्रे लिस्ट में बना रह गया, यानी वो इंटरमीडिएट लेवल पे। हम उसको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भैया टेरर फंडिंग मत कर, मनी लॉन्ड्रिंग मत कर, ये मत कर, इलीगल एक्टिविटी मत कर, पाकिस्तान बनता है। बोला कि यार अगर तू ऐसा ही बकरता रहेगा तो हम तेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, और जब ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो बहुत सारी इम्पोजिशन जो है, रेस्ट्रिक्शन जो है आपके ऊपर लग जाएंगे। तो देख लेना दोस्त क्या कर सकते हो। अभी चाइना के प्रेसिडेंट ने फरवरी में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो ये देखो पॉलिटिशियन कोई भी हो वो अपनी कुछ ना कुछ जो है अचीवमेंट बताता है। देखो शॉर्ट बाय तिंगन ता पांडा है ना, ये कह नहीं सकते दोस्त, ये तो समय की बात है। अब वियतनाम को तो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी नहीं जीत पाया था, तो सारी विल पावर होती है कंट्री की, कितनी विल पावर उसकी। ठीक है चलो बढ़े आगे। शॉर्ट्स बाय दिगंता पांडे बता रहा हूँ। अगर चाइना और रशिया लड़ेंगे तो आपको बता दूं कि रशिया की हिस्ट्री रही है कि रस्ते रशिया को आज तक कुछ जीत नहीं पाया है। तो आप ये मान सकते हो कि रशिया के ऊपर लड़ाई हुई तो रशिया को जीत ही नहीं पाया है, ये मान के चलो कि रशिया को चाइना भी नहीं जीत पाएगा। हाँ इधर से न्यूक्लियर बम वगैरह फोड़ दें वो एक अलग चीज़ है, बाकी ऐसे लड़ने पाए तो नहीं जीत पाएगी। बहुत हार्श क्लाइमेट है रशिया का।
जितना बड़ी दिक्कत है। चाइना ये कहता है कि हम लोगों ने, या जो जी जिनपिंग ये कहते हैं कि हमने लगभग 100 मिलियन पीपल को इन मेरे 8 साल के जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन रही है उसमें 100 मिलियन पीपल को मैंने पॉवर्टी से निकाल दिया है। कंप्लीट विक्ट्री है मेरी, और वो भी एक पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला। और ये चाइना के लिए बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा है कि 98.99 मिलियन पुअर इन रूरल एरियाज को मैंने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल दिया। और अब ये भाई साहब आगे ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो एक पॉइंट बना हुआ है कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप किसे कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन ये है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की कि अगर 1.90 परचेजिंग पावर पैरिटी, 1.90 डॉलर यानी लगभग 2 डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी अगर एक पर्सन के पास है पर डे के हिसाब से, तो वो जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटीज एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकल जाता है। चाइना ये कहता है कि हमने 2.30 डॉलर जो चाइना के लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बढ़ गई है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे 1.90 है, तो भैया हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया 100 मिलियन पीपल को। ये एक बड़ी चीज़ है। और इसके साथ साथ चाइना ने जो है डबल डिजिट जीडीपी जो है वो भी गेन की है, ये एक अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है पॉवर्टी लाइन को लेकर के वो मिडिल इनकम और जो अपर मिडिल इनकम है उनको लेकर के कुछ हो रहा है। चाइना के केस में ये 5.50 परचेजिंग पावर पैरिटी, ये 5.50 डॉलर है परचेजिंग पावर पैरिटी को लेकर के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल लेवल पे जो बनी हुई है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की जो लाइन है 1.90 उसको तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, बट जैसे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो चाइना है अभी भी नीचे बना हुआ है। लेकिन ठीक है, वो जल्दी जल्दी भी आगे, जैसे चाइना कह रहा है कि हम जल्दी ही इसको बाहर निकल जाएंगे, हम जल्दी अपनी पॉवर्टी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, हमारा एजेंडा जल्दी ही इसको करने का है। और हम यूनाइटेड नेशन के 2030 के एजेंडा के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम अगले 10 साल के अंदर, मतलब हमने जो अगले 10 साल में जो हम अचीव करना था वो हमने आज ही अचीव कर लिया है। तो ये है चाइना का अभी 14th 5-year plan जो अभी वो लेकर के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो इसको अचीव करने वाला है, तो ये अच्छी चीज़ है। और बाकी चाइना ये कहता है कि यार जो हमने 4G की जो कवरेज है ना वो ऑलरेडी 98% रूरल पॉपुलेशन को दे दी है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वहाँ वो लोग अपने लोगों के लिए काफ़ी काम करते हैं, बट ऐसा डेमोक्रेटिक स्टाइल में काम नहीं करते। भाई जो हमें करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बट करते हैं, कर रहे हैं। और बाकी आप देखते हैं कि जीडीपी के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, हर चीज़ में जो है चाइना आ रहा है। कभी देखो चाइना साफ कहता है कि यार हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, एक हमने रशिया से सीखी हैं और एक हमने अमेरिका से सीखी हैं। हमने यूएसए से सीखी है कि कैसे हम लोग न्यू एक्सपेंशन इन पे जा सकते हैं, मतलब आप एक नया सिस्टम चल रहा है ना, जैसे इंपेरियलिज्म आया था ब्रिटेन, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अधिकार करने की कोशिश की, आजकल एक नया इंपेरियलिज्म चला हुआ है, मनी इंपेरियलिज्म या कैपिटलिज्म इंपेरियलिज्म चला हुआ है। यूएसए पैसा डाल रहा है हर कंट्री के अंदर, डाल करके उनको कर्ज में डालता है ताकि वो उभरी ना पाए, यूएसए के इन्फ्लुएंस में रहे। चाइना कहता है कि हमने यूएसए से यही चीज़ सीखी है भाई, इसलिए हम लोग फंडिंग करते हैं दुनिया देशों में, हमारे पास बहुत पैसा है। रशिया से हमने सीखा है ऑफेंसिव होना, हमें ऑफेंसिव होते हैं, अगर आप देखोगे वो झुक नहीं रहे किसी से, वो कहते हैं लड़ना है आ जाओ लड़ लेंगे। तो हम रशिया से सीख रहे हैं हम ऑफेंसिव होना, और यूएसए से सीखते हैं पैसे का यूज़ करना किसी देश के ऊपर, ये चीज़ है। अमन मौर्या, हाँ बिल्कुल यार आएगा मेरे भाई, बिल्कुल यूपीएससी के हर सेगमेंट में ये काम करेंगे। और फिर श्रीलंका में जाफना रीजन के अंदर जो आर्मी की जो ब्रुटैलिटी हुई है उसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाई थी मिशेल बैसलेट डैमनिंग रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मिशेल बैशलेट डैमनिंग रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसके ऊपर बनी थी कि श्रीलंका जो है जाफना वाला जो रीजन है या जिधर तमिलियन लोग थे उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की जो वॉलेशन है और लगातार जो खबर आती है उसको लेकर के ये एक रिपोर्ट बनी थी, और उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ। तो श्रीलंका ये कहता है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको ना सपोर्ट चाहिए होता है ना आसपास के लोगों का, यार हमें सपोर्ट कर दो ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हम बच सकें, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लग सके, हमारे ऊपर ये ना लगाए, हमारी इमेज बची रहे। तो डियर इंडिया, आपको तो पता है यार कि तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है यार हम थोड़ी बीच हम आपके
दोस्त हैं, हम गलतियां कर देते हैं, हमने चाइना को थोड़ा सपोर्ट कर दिया, लेकिन यार ध्यान रखना जब भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल होगी और वहां जब वोटिंग होगी तो कृपया करके आप है ना हमें सपोर्ट कर देना यार, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया है कि देख दोस्त तुम है ना अभी भी, जबकि 2008-09 के बाद ही हम देखते हैं कि जो LTT का पूरा सेगमेंट है आपने वाइप आउट कर दिया है, LTT का वहाँ पर मेजोरिटी रही नहीं है, आपने कमिटमेंट दी थी कि हम लोग तमिलियंस को जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आएंगे, जॉब्स देंगे, एजुकेशंस पे बात करेंगे, लेकिन हम तो हर साल कुछ ना कुछ है ना नया सुनते हैं तमिलियन के केस में, आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऊपर से जब रिपोर्ट बन रही है आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन का एक अटैक हो रहा है उसके ऐसे न्यूज़ आ रही है, तो फिर आप कहते हो कि यार हमें सपोर्ट करो HRC में। नहीं दोस्त, आप काम करोगे तो सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आपने जो 13th अमेंडमेंट लागू की थी, 13th अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, याद आ रहा है? एक तो 13th अमेंडमेंट किसका, USA की कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस 13th अमेंडमेंट में आपने साफ कह दी थी बात कि भैया हम जो है ना जो जो तमिलियन रीजन है, जो वाटोन रीजन है, वहाँ पर हम लोग वॉयलेंस की जो है एंडिंग करेंगे, वार अफेक्टेड रीजन को हम लोग डेवलप करेंगे, एजुकेशंस देंगे, सब कुछ देंगे। आपने इस 13th अमेंडमेंट को अभी पूरा किया नहीं है। ऊपर से मिशेल जो रिपोर्ट आ रही है, मिशेल बैसलेट डेमनिंग रिपोर्ट, उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। तो दोस्त माफ़ी चाहेंगे, इंडिया आपको सपोर्ट कर नहीं पाएगा। तो इसमें पूरा जो न्यूज़ था वो न्यूज़ था आपका मिशेल डेमनिंग रिपोर्ट, दैट्स इट। और 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का भी याद रख लेना और USA का भी याद रख लेना। न्यूज़ में आ रहा है Nord 2 पाइपलाइन, न्यूज़ में क्या बनी हुई है, Nord 2 पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन से क्या गुजारी जाएगी, गैस। अब होता यह है कि पूरे यूरोप में तीन ही कंट्री ऐसी है जिसकी सुनी जाती है, या ये कह लीजिए जो बोलता है, पहला ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी और तीसरा फ्रांस, जो साथ लगा हुआ है। इसके अलावा यूरोप में इतनी ज़्यादा पावर किसी कंट्री के पास नहीं है जितनी इन तीन देशों के पास है। उसमें जर्मनी तो इकोनॉमिकल पावर में आती है, और पूरे यूरोप जब रशिया की और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका रशिया को यूरोप का एक रीजनल पावर मानता है, इससे ज़्यादा अमेरिका रशिया को ज़्यादा मानता नहीं, बोला कि बस यार यूरोप तक ये सीमित है, इससे ज़्यादा सीमित है नहीं। अब पूरे यूरोप का 40% जो एनर्जी है वो रशिया से आ रहा है, 40% एनर्जी पूरे यूरोप की रशिया से आ रही है। अमेरिका इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है अपने सेल गैसेस से, सेल गैसेस का पूरा मुद्दा आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो सोचता है कि यार हमारे पास सेल गैस अब रिजर्व है, हम यूरोप को दे सकते हैं। तो यार तुम जब यूरोप को दोगे वो तब दोगे, इससे पहले तो फिनलैंड जैसे तो पूरे 100% डिपेंडेंसी रखते हैं रशिया के ऊपर, आप कैसे मान सकते हो कि आप उनको कुछ बोल दो कि वो रशिया से बाहर निकल लेंगे? नहीं भैया, आखिरी में हमें एनर्जी चाहिए, हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, बातों से थोड़ी जलेगा वो, तो रशिया जब एनर्जी देगा या तुम एनर्जी दोगे तभी तो जलेगा। तुम अपना अगर है ना पाइपलाइन बिछाने पाए तो पूरी अटलांटिक ओशन में पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, इतना थोड़ी पावर पैसा कौन लगाएगा, इतना पैसा कौन लगाएगा, इतना समय कौन लगाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास रशिया नज़दीक है तो हम ले लेते, और जब हम वहाँ से सप्लाई लेंगे तो इन्फ्लुएंस भी रशिया का बना रहेगा, और जर्मनी जैसा देश जिसके जिसके लगभग 60% की डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर है, और जर्मनी पूरा यूरोप वेट करता है कि जर्मनी रशिया के खिलाफ कुछ बोले, बट जर्मनी कुछ बोल ही नहीं पाएगा। क्यों? आखिरी में तो सारी की सारी एनर्जी ही तो है, एनर्जी का ही तो खेल है, अमेरिका उसी पर खेल रहा है, जर्मनी भी उसी पर खेलेगा, रशिया उसी का गेम खेलता है। यार मेरे पास पूरा रिजर्व है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम बोलना मत। जर्मनी कुछ बोल नहीं पाता। तो यहाँ पर दो स्ट्रीम है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। तो आप जो ये नीली लाइन देख रहे हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये जो डैशेज लाइन है वो देख रहे हैं। जर्मनी का ग्राइसफॉल्ड रीजन है, वहाँ से लेकर के जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो उस लुगा से लेकर के जर्मनी के ग्राइसफॉल तक पहुँचता है, पूरी पाइपलाइन है। और एक है वाइबॉर्ग जो रशिया के रीजन में है और फिनलैंड और रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पर मिलेगा, और वो भी पाइपलाइन कहाँ से आ रही है, ग्राइसफील्ड से। और ये पाइपलाइन कैसे आ रही है, हवा में नहीं आ रही, ये पाइपलाइन आ रही है पानी में, पानी के अंदर से आ रही है। आशीष कुमार गुप्ता, आई डोंट नो यार, बट ठीक है, क्या दिक्कत है। आगाज 2.0 में भी मैं क्या करवाता, ज्योग्राफी करवाता, थोड़ी बहुत अपडेट हो जाती, वो हमारे आगाज 1.0 में हो चुकी है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट ही ज्योग्राफी का अलग हो जाएगा,
है ना। और एक एक बार एक चीज पढ़ लो, स्टैटिक का तो मेन मुद्दा यही होता है कि एक बार एक चीज पढ़ लो उसको दोबारा ना रटने, मतलब दोबारा पढ़ करके क्या करोगे। हाँ हमारा मेरा जो सेशन है वापस स्टार्ट होने वाला है रिविजन सेशन, मैं पता क्या है मेन चीज होती है रिविजन की, आप रिविजन कर लो ना वो इंपॉर्टेंट है। अब रिविजन हमारा होगा इंडियन ज्योग्राफी का, रिविजन करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। वहाँ उधर आकाश 2 पॉइंट जो चल रहा है वो चलने दो, हमारा जो सेशन है ज्योग्राफी का वो तो चलेगा है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने क्लासेस लेनी बंद कर दी, वो हमारी चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ और यार वहाँ पे भी एजुकेटर काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको भी सुनो, लगेगा कि कोई लगे कि कोई सब्जेक्ट वीक है हमारा और हम सीख सकते हैं तो सीखो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ठीक है डियर जी, तो बस इतना ध्यान रख लेना कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 या नॉर्ड स्ट्रीम क्या है। नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो रशिया और जर्मनी के बीच में आ रहा है, और इससे गैस की ट्रांसपोर्टेशन होगी, गैस ऑयल नहीं, गैस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही। तो नॉर्ड 2 या नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, दैट्स इट। आगे बढ़े, अफगानिस्तान के साथ इंडिया की अभी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, किसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर के, लालंदर डैम को लेकर के, जिसे हम लोग शतूत डैम भी बोल देते हैं। इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये जो डैम वगैरह की जो चीज़ें आ जाती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे इंडिया का प्रोजेक्ट भूटान में चल रहा हो, चाहे म्यांमार में चल रहा हो, अफगानिस्तान में चल रहा हो। तो ललंदर डैम या फिर शतूत डैम अफगानिस्तान का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा होगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, एक तो ये चीज़ होगी। और जब मैं बात कहता हूँ इंडिया की कि ये जो डैम बना रहा है, एक्चुअली इंडिया ये जो डैम बना रहा है सेकेंड डैम बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आफ्टर फ्रेंडशिप डैम या जिसको हम सलमा डैम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने जो डैम बनाया था अफगानिस्तान में हेरात प्रोविंस के अंदर 2016 में, आफ्टर जो हमारे अभी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ मिलकर के अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है यहाँ पर, आपका क्या बना, डैम बना। नेम ऑफ द डैम इज फ्रेंडशिप डैम या सलमा डैम। और अभी जो है फरवरी 2021 के अंदर एक और एग्रीमेंट होता है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भैया हम आपके लिए एक ललंदर डैम भी बना रहे हैं। तो ये दो डैम है, दोनों डैम का बस नाम याद रखना है, फ्रेंडशिप डैम एंड शतूत डैम या ललंदर डैम। अब इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही अपनी जो एनर्जी है वो इन्फ्यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान में। अब जानते हैं अफगानिस्तान बहुत ही न्यूज़ में भी रहता है, कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इंडिया जो है अफगानिस्तान में, सबसे पहले तो देलाराम जरांस नेटवर्क याद करो, जब मुझे अफगानिस्तान पहुंचना था तो मैंने चबहार पोर्ट डेवलपमेंट करके सीधे कहाँ जाऊँगा, जाहिदान, वर्ल्ड ज्योग्राफी में याद करना है, जाहिदान से मैं कहाँ जाऊँगा, जरांस देलाराम मार्ग पे। तो ये डेवलप किसने किया, बीआरओ ने, इंडिया के बीआरओ ने। पूरा का पूरा पैसा जो मिला है वो ग्रांट्स में मिला है, लोन में नहीं। लोन में दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गरीब देश है वैसे नहीं उभर पाएगा, ग्रांट दोगे तो तुम्हारा एहसान भी मानेगा, ठीक है। ऊपर से आपने इस हेरात प्रोविंस में एक डैम बनाया है जिसका नाम है फ्रेंडशिप डैम या सलमा डैम, ये भी बनाया आपने। फिर ऊपर से आप जो है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है अफगानिस्तान की, अपने उसको भी बनाने के लिए जो है पैसा इन्फ्यूज़ किया, पैसा डाला है। और अभी आप ललंदर डैम या शतूत डैम को भी डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया की जो प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और डैम बन रहा है तो क्या बनेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा, पानी मिलेगा, शहरों को पानी मिलेगा, सारी चीज़ें आप करोगे। तो ये डियर जी हमारे 2021 की फरवरी की न्यूज़ है, ठीक है, वर्ल्ड सेक्शन पे हमने देख लिया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझसे कुछ पूछ भी सकता है, नहीं तो आज का जो सेशन हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस, रोहिणी मानसू झा के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो जो न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे। और बाकी मेरा कोड है, जब भी आपको लगे कि कहीं कोड अप्लाई करना चाहो तो वहाँ पर ये कोड अप्लाई आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल मिरेकल लक्ष्मण यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो मैं आखिरी में तो एक ही बात कहूँगा ना कि ज्योग्राफी मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किस चीज़ से पढ़ता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, या उसे समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मेन चीज़ वो है। और मेरे सेशन तो अभी भी बने रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसमें नहीं आया तो नहीं आया। ऐसे तो यार 75 डेज़ के बाद जो है आपका 2.0 ख़त्म हो जाएगा, फिर 3.0 आएगा, उसमें फिर नए चेहरे होंगे, फिर 4.0, और ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये रोटेशन आज से नहीं चल रही है, अनअकैडमी 5.5 साल पहले आई थी तब से चल रही है। तो आई एम नॉट द सिंगल वन कि जो लंबे समय तक रहेगा, बट ठीक है, तुम लोगों का प्यार है, तुम लोगों की मोहब्बत है, तुम लोगों की एक अटैचमेंट है जो बनी हुई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल श्वेता, करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल रिलेशन विद ज्योग्राफी जो है वो किया जा रहा है। तो अब जो है हमारा सेशन होगा नेक्स्ट वीक संडे को, मार्च 2021 की सीरीज को हम लोग डील करने वाले हैं।
है। और भी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आई थॉट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो अभी करंट अफेयर सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है ज्योग्राफी प्रस्पेक्टिव। देखो पता क्या, एक ज्योग्राफी होती है, एक इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो हमारा जो अभी चल रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रस्पेक्टिव चल रहा है। करंट अफेयर्स जो अभी हमारे 2 या 3 सेशन हुए थे आगाज 1.0 के, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आपको, ठीक है? अब उसके लिए भी आप लोग रेडी रहो यार, हमारे पास समय कहाँ है, हमें पास सीखते रहना सीखते रहना सीखते रहना। तो ये भी सेशन शुरू होने वाला है, और वो भी सेशन जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले, वर्ल्ड जियो के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये आपका चल ही रहा है। तो फरवरी करेंगे हम लोग, फिर मार्च करेंगे, अप्रैल मई जून, और जब तक अगले महीने में पहुंचेंगे तो जुलाई का भी आपका आ जाएगा। तो टेंशन मत लो यार, तुम बस बैठ करके पढ़ो। थैंक यू सो मच डियर श्वेता। चलो सरित मूर्तम, श्री राम मूर्ति बोनम, थैंक यू सो मच डियर जी। थैंक्स फिजा अनवर, संजय यादव, थैंक यू सो मच। हाँ निशा कुमारी, क्लास इज ओवर। श्वेता देखते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहेगी, देखते हैं कितना अच्छा, मतलब कितने समय के लिए हम ले सकते हैं ये, चलो देखते हैं। चलो तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इस सेशन के लिए, बाकी कल हम मिल रहे हैं जो हमारा जो शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच डियर जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, संडे है यार, इन्जॉय करो आज का संडे को, हैंग आउट करो, मूवी मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूम फिर लिए होगे, बहुत अच्छी बात है। श्वेता सब हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, होगा होगा होगा। एमसीक्यू सेशन अब आपके स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐप पे, एमसीक्यू का सेशन जो ज्योग्राफी का है ना, इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट से, तो इंडियन ज्योग्राफी के पहले पार्ट से आपका कंप्लीट होगा, तो ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से हम करने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। गुड नाइट अमन मौर्या, गुड नाइट। चलो।